कृष्णा जी क्या हाँ, करती हैं पहले तो ये बताओ। मैं दिहाड़ी मजदूरी करती हूँ। दिहाड़ी मजदूरी कर, क्यों ऐसा लगा कि मजदूरी छोड़ के आपको गीत के अंदर आना चाहिए? मुझे शौक है। शौक है मुझे बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा बहुत, तो आपको लगता है कि एक रानू मंडल थी, एक रानू मंडल वो ट्रेन पे अलग से कुछ काम किया करती थी, लेकिन वो भी सेलेक्ट हो गई, तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं, ऐसे लगता है आपको? लगता है जी है? लगता आप है। अपना कोई गीत सुना दीजिए जो आपको लगता है कि आप जिस को गाने से आप सेलेक्ट हो जाएंगे, वो सुना दीजिए। अभी हाँ अभी सुना दो, थोड़ा सा दो लाइन सुना दीजिए। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नीकी पर चली और बदी से टली, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। बहुत सुंदर आपने, नहीं पूरा नहीं, बहुत सुंदर आपने सुनाया। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल लता जी की तरह इन्होंने गीत को गुनगुनाया और गीत को बहुत प्रतिभा से उन्होंने निखारा। मतलब कि आप मजदूरी करते हैं उसके बावजूद भी लता की तरह यहाँ पर आवाज़ है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। तमाम तरीके के आइडल्स आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है शास्त्री नगर के अंदर जो हो रहा है, एक बहुत बड़ा होने लग रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, और सैकड़ों की तादाद में बच्चे ही नहीं, यहाँ पे सीनियर सिटीज़न भी हैं। तमाम प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं अशोक अज्ञानी। नाम से अज्ञानी है लेकिन ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद जी। अशोक जी, क्यों ऐसा लगा कि एक वाल्मीकि आइडल होना चाहिए, क्यों ऐसा लगा, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, वो बताएं। देखिए, जो हमारा समाज वाल्मीकि समाज और ख़ासतौर उसके साथ अनुसूचित जाति समाज जी, हमारे बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर जो टैलेंट है कूट कूट के भरा है जी, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते जी। फिल्म इंडस्ट्री में उन जो अपर कास्ट लोगों का जो कब्जा है फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री तमाम उसमें, तो हमारे लोगों को जब वो जाते हैं टैलेंट शो, चाहे छोटे छोटे टैलेंट शो भी होते हैं, तो उसमें अगर जाति पता चल जाती है तो उनको वो निकाल के बाहर कर देते हैं, चाहे उनके अंदर कितना भी टैलेंट हो, ये अनुभव है। तो उस अनुभव को देखते हुए हमें, मुझे लगा कि भाई हमें एक ऐसा मंच तैयार करना चाहिए जिससे में कि हमारे वाल्मीकि समाज और SC ST पूरा समाज, जिसको कि इस मंच के माध्यम से हम उनको ट्रेंड कर सकें, उनकी प्रतिभा को निखार सकें और उनको देश दुनिया के सामने उनकी आवाज़, उनकी योग्यता को पहुंचा सकें जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 14 मई जो पीछे गया 2022, हमने भारत सरकार को नोटिस जारी किया है कि 22.5% फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हमारे लोगों का, SC ST के लोगों का जो कलाकार हैं उनको उसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हॉलीवुड फिल्मों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो ब्लैक हैं उनका रिजर्वेशन है, कोई भी फिल्म बिना ब्लैक के नहीं बनती है। गोरा अगर हीरो होगा तो ब्लैक वहाँ पर विलेन होगा, अगर लड़की हीरोइन गोरी होगी तो ब्लैक साइड हीरोइन जरूर होगी, तो वहाँ पर उनका रिजर्वेशन है। उसके बिना कालों को, अगर ब्लैक लोगों को वहाँ पर अगर पिक्चर में नहीं लिया तो सेंसर बोर्ड उसको पास नहीं करता है। उसी तर्ज पे हमने कहा, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है और हमें ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, हमें वो चाहिए भाई। सिर्फ हमें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकारी क्षेत्र जो थे आपने बंद कर दिए, और फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि इसमें जो पैसा फिल्म इंडस्ट्री में लगता है, जो टैक्स का सारी चीज़ होती है, उसमें हमारा भी हिस्सा है 22.5%, और कोई भी फिल्म जब तक रिलीज ना करे भारत वो सेंसर बोर्ड, जब तक कि उसमें SC ST के 22.5% लोग जो उसमें म्यूजिक में, गायकार, एक्टर, हीरो हीरोइन, जब तक वो ना लें कोई फिल्म निर्माता निर्देशक, जब तक वो फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा कि ये मंच बेहद ज़रूरी है और हम उन प्रतिभाओं को निकाल रहे हैं, और जिस तरह से हमने अभी 100 अपने ये गायकार निकालने, और मई में हम दिल्ली में बड़ा इनका प्रतियोगिता होगी, इस आज के जो ऑडिशन हुए हैं ये लगातार होंगे, और हम 100 प्रतिभागियों को SC ST के हम मई में बड़ा दिल्ली में एक कंपटीशन करेंगे, और उसमें टॉप 10 हम उनके गायकार निकाल करके, और हम उनको चैलेंज करेंगे कि जो जो इनके इंडियन आइडल हैं या दूसरे जो जनरल इनको आप करते हो और हमारे इतने अच्छे अच्छे प्रतिभागी इनको बाहर कर देते हो, कि भाई उनके साथ हमारे इन फनकारों के साथ, इन हमारे SC ST के आप मुकाबला करो और इनको बराबर का इनको हक दो, 22.5% इनको फिल्म इंडस्ट्री में, गायकी में, इनके इनके इंस्ट्रूमेंट में और इनके एक्टिंग में इनको मौके मिलने चाहिए। वो हम करें।
ये तो प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, कोई आरक्षण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी जाति भेद कहीं ना कहीं देखा जाता है। उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं अशोक अज्ञानी की पूरी टीम काम कर रही है। नाम वाल्मीकि आइडल है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी तमाम समुदाय के लोगों को, यानी कि बहुजन समाज के तमाम लोगों को ये प्लेटफॉर्म मौका देगा। और यह आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे डायरेक्टर्स भी हैं यहाँ पर, गायक भी हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो प्रतिभाशाली यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनसे भी हम लोग जानेंगे। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं कल्याणपुरी से आई हूँ। कल्याणपुरी दिल्ली से आए हुए हैं। क्यों ऐसा लगा कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको? मुझे आगे बढ़ना है और हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जल्दी से जी। और छोटे छोटे प्रोग्रामों में मैं जाती हूँ जी, जैसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें मेरे गुरुजी मुझे लेके जाते हैं, लेकिन मुझे लगा मुझे यहाँ आना चाहिए जी। मेरी आपको लगता है कि आपका सपना अब साकार होने वाला है? जरूर होना चाहिए, मैं पूरी मेहनत करूंगी उसके लिए कि मेरा सपना साकार हो जी। आप अंजलि हैं और कल दिल्ली से आए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। यहाँ से पंजाब से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, अहमदाबाद से, तमाम जगह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए आप मैडम? अथरौली से, अनु चौहान। अनु चौधरी कहाँ से आए हुए हैं? अनु चौहान। कोई बात नहीं, अनु चौहान जी कहाँ से आए हुए हैं आप? अथरौली से। अथरौली कहाँ पर पड़ता है? ये अलीगढ़ के पास। ये अलीगढ़ के पास पड़ता है। आपको लगता है कि ऐसे मंचों का जो है संचालन लगातार होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, होना चाहिए और हमारे वाल्मीकि समाज का नाम ऊपर जाना चाहिए, ऊंचा उठना चाहिए। जो मतलब हाई लोगों ने हमें नीचे कर रखा है, हमें प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए सिंगिंग का, एक्टर का। जो एक्टर हैं तो उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। कहते हैं चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। जिस तरीके से खुशबू, जिस तरीके के एक कस्तूरी को छुपाया नहीं जा सकता है, उसी तरीके से इन प्रतिभाओं को छुपाया नहीं जा सकता है। और उस प्रतिभाओं को निखारने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, वाल्मीकि आइडल के नाम से है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, वहाँ से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही प्रोग्राम होने वाले हैं और तमाम जगह पर ये समुदाय जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन जाएगी और वहाँ से उन बच्चों को कलेक्ट करेगी। उसके बाद दिल्ली के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने वाले हैं। और भी साथी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर कहाँ? मेरा नाम राम किशोर टांक है जी। मैं लोकल दिल्ली से ही हूँ जी। बस थोड़ा सा शौक रखता हूँ गाने का जी। तो मैंने फेसबुक, लगता है कि शौक अब जो है आपका वो कॉमर्शियल होने वाला है, ऐसा लगता है आपको जी? मैंने फेसबुक पे देखा था, मेरे को लगा कि चलो इधर ट्राई की जाए जी। और सबसे बड़ी बात थी कि समाज का था, समाज मतलब वाल्मीकि समाज से था, तो मेरे अंदर और जिज्ञासा जागी। तो मैंने कहा जब अपने ही समाज से है तो फिर तो बिल्कुल हम जो है तत्पर रहेंगे बिल्कुल। तो इस वजह से हम इधर पार्टिसिपेट किया, इधर हमने जो है भाग लिया। कहते हैं मैं निकला था अकेला, लोग जुड़ते गए और कारवा बन गया। तो ये निकले हैं अकेले अकेले, अब ये कारवा बनता जा रहा है। और यह है कारवा फिल्म बनाने वाला है, ये सीरियल बनाने वाला है। उन बच्चों को, उन लोगों को वह प्लेटफॉर्म देने वाला है जो सिंगिंग करना चाहते हैं, डांसिंग करना चाहते हैं, तमाम प्रतिभाओं के धनी हैं। मैडम क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। निर्मला जी कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली कैंट से आई। आपने बहुत खूबसूरत गीत सुनाया था, मैं तो पीछे पीछे गुनगुना रहा था। वाल्मीकि भगवान का आपने गीत सुनाया था, दो लाइनें उसके जरूर सुना दीजिए। थैंक यू सर जी, सिर्फ दो लाइनें सुनाइए जी। महर्षि जी मुझ पे की जो दया, मैं आया शरण में मेरे कष्ट मिटा। महर्षि जी मुझ पे की जो दया, मैं आया शरण में मेरे कष्ट मिटा। महर्षि जी हमारे वाल्मीकि स्वामी महर्षि हैं और विश्व गुरु हैं ये जी। और मैं वाल्मीकि समाज की बेटी हूँ और मैं अपने समाज को गायकी के तौर से, पढ़ाई लिखाई के तौर से, हर चीज़ की जरिए आगे ले जाना चाहती हूँ। और अच्छे बच्चे हैं हमारे और हम भी पढ़े लिखे हैं, हम किसी समाज ऐसे, से कम। ऐसे मंचों को क्या लगता है कि लगातार इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, क्या कहना? बिल्कुल ऐसे मंच लगातार होने चाहिए और हमारे समाज के बच्चे आगे जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं, बहुत बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे इस समाज में और हम चाहते हैं हम किसी से कम नहीं है, किसी भी जाति समाज से हम किसी से कम नहीं है। और हमारे वाल्मीकि जी विश्व गुरु हैं और इनका बहुत
वाल्मीकि जी विश्व गुरु हैं, इन्होंने बताया। और मैं आपको बता दूं, वाल्मीकि समाज जिसे सिर्फ समझा जाता है कि झाड़ू पोछे का काम करता है, गलियों में से, नालियों में से कूड़ा बीनने का काम करते हैं, इस तरीके के वाल्मीकि समाज को देखा जाता है। लेकिन अब मैं इसका दूसरा चेहरा बता दूं, ये वही वाल्मीकि समाज है जो इस वक्त डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, लॉयर बन रहा है और बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपना हिस्सा भी मांगने को तैयार खड़ा हो गया है। और यह वह समुदाय है जिसको बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ट्रेन करा, जिन्होंने बताया उनकी ताकत का एहसास। बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को गुलामगिरी का एहसास करवा दो तो अपनी बीड़ियाँ तोड़ देगा। अब यह वो समाज है जो झाड़ू पोछे का काम नहीं करता, ये नाली में से कूड़ा बीनने का काम नहीं करता, अभी नाली का काम नहीं करके अभी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है। आप देखेंगे कितना वेल ड्रेसअप है, राजस्थानी और हिमाचली लुक भी दे रखा है मैडम ने, लगता ही नहीं है कि वाल्मीकि समाज से हैं। और अब इस जाति को छोड़ के ये बुद्धिस्ट बनने की भी तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है सब आपका? सर मेरा नाम इंद्रेश सोदाई, मैं रोड की उत्तराखंड से हूँ। जी आप देखिए उत्तराखंड से यहाँ पर आए हुए हैं जी, क्या कैसा लग रहा है यहाँ पर आपके? सर बहुत अच्छा लग रहा है जी। वैसे मैंने एज ए म्यूजिशियन काम किया है जी, और मैं बताऊँ कि मैं नेहा अपनी जो सोनू कंकड़ है जी, उनके साथ मैंने काम किया, प्रोग्राम किया है जी। और सर मुझको एक मौका मिला है महेंद्र कपूर साहब के साथ भी। तो क्या लग रहा है अभी जो फिल्म बनाने वाले हैं उसके अंदर आपको मौका मिलेगा? मुझे लग रहा है कि सर एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा एक हमारे लिए है, आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छा मौका है। मुरारी लाल जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम लोग जानेंगे। मुरारी जी कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है जी, जी। ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे आने वाले बच्चों को बहुत ही अच्छा भविष्य देगा जी। और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जी। मुझे भी सत्संग में भजन गाने का शौक है जी, तो मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा है। बहुत सुंदर देखेंगे आप यहाँ पे जो इनके चेहरे की खुशी है वो साफ साफ नज़र आ रही है, दिखते ही बनती है कि कितनी ताकत से ये लोग काम कर रहे हैं। जो इनकी प्रतिभाओं को आज तक कोई मौका नहीं देता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, अब इन्होंने अपना ही मंच तैयार कर दिया है। अब ये बड़ी इंडस्ट्री पर आपको नज़र आएंगे और पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर सिर चढ़ के बोलेगा वाल्मीकि आइडल जो है वह आपको नज़र आने वाला है। क्या नाम है सर? किशन जी। सर किशन जी की आवाज़ को मैंने सुना था, बिल्कुल हूबहू किशोरदा गाते हैं। अगर आप लोग आंखें बंद कर लेंगे और किशन जी को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि किशोर जी दोबारा जीवित हो गए हैं। बहुत सुंदर है, मैं चाहूँगा कि दो लाइनें आप कोई भी गुनगुना दीजिए, सिर्फ दो लाइन। सर 10 साल की उम्र से मैं किशोरदा को फॉलो करते आया हूँ। आपने क्या सीखा था या सिर्फ बस फॉलो कर रहे हैं? सर बस फॉलो कर रहे हैं, बस म्यूजिक ट्रैक के बारे में। फॉलो करने से इतना प्रतिभाशाली हो जाते हैं लोग? जी सर हो जाते हैं, रियाज से करते हैं। 10 साल की उम्र से मैं किशोरदा को फॉलो कर रहा हूँ और थोड़ा प्रैक्टिस भी की, थोड़ा उनको गुनगुनाते हुए बस ऐसे ही बचपन से अभी तक। आज देख लीजिए 48 ईयर है मेरी उम्र, आज तक मैं किशोरदा को पर मंच तो मुझे बहुत मिले जी। लेकिन किशन भाई अब आपको लगता है कि जो अब आपका सपना है वो कहीं ज़्यादा नज़दीक है, पूरा होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? कल मैंने वाल्मीकि आइडल का फेसबुक पे देखा जी, तो मुझे अंदर से इतना प्राउड फील हुआ कि कोई तो है, अशोक अज्ञानी जी हमारे गुरु जी और गुरु जी बैठे हैं, तमाम टीम लगी हुई है जी। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जी। और मुझे रात भर नींद नहीं आई सर जी, सच्ची बताऊँ आपको, रात भर मैं सो नहीं पाया, मेरी आँखें आप देख सकते हैं जी बिल्कुल। मैं सोच रहा था 8:30 बजे मैं यहाँ पे एंटर हुआ था, अशोक जी से मिला, मैंने सर मैं गाने के लिए आया हूँ। आप समझ लीजिए कि 10 बजे का टाइम था, 8 बजे से लोग यहाँ पर आ गए हैं, नंबर इनका सबसे पहले ही था, वह इनकी जो रात को निकले थे लेकिन नंबर वन लिया है, तो समझ लीजिए हो सकता है आने वाले समय भी नंबर वन ही लें। हमारे साथ कई सारे डायरेक्टर हैं, मैं उनका नाम भी जानूंगा और उनकी प्रतिमाएँ मैं बता दूँ कि जी अच्छा उनका भी लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सचिन डेमुरना है जी। सचिन जी क्या है, किस प्लेटफॉर्म से आप वो बताएं प्लीज़? वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जी, लेकिन मुझे फिल्म इंडस्ट्री को जानने का शौक था जी, तो मैंने डायरेक्शन का कोर्स किया है। क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो आपको प्रतिभाएं ढूंढ रहे हैं वह मिल नज़र आ रही हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पे कुछ प्रतिभाएं ऐसी हैं जिनको बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे चांस मिलना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल, आप समझिए कि इंटरनेशनल लेवल पे चांस मिलना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी सुरेश दहलवी है जी, मैं यहाँ दिल्ली का रहने वाला हूँ जी, और बचपन से ही म्यूजिक के माहौल में मैं रहा हूँ। मेरे पिताजी संगीतकार थे जी, जो श्री राम भारतीय कला केंद्र मंडी हाउस में थे जी, और गांधी महाविद्यालय में थे जी, उन्हीं को देख देख कर संगीत का शौक पैदा हुआ जी, और आज मैं म्यूजिक सिखाता भी हूँ और म्यूजिक के प्रोग्राम भी देता हूँ। यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आपको कि जो प्रतिमाएं आपको लगता था कि जो छुपी हुई है वो निखर कर आ रही हैं, यहाँ पे निकलेंगी आपको? हाँ जी, यहाँ पर नज़र आ रही हैं ऐसी कि जो आगे बढ़ सकती हैं और हमारे वाल्मीकि समाज का नाम रोशन कर सकती हैं जी। वाल्मीकि समाज का नाम रोशन कर सकती हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मेरा वीरेंद्र सिंह सिसोदिया जी,
मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि हमारे वाल्मीकि समाज बहुत आगे जाए और जितने भी टैलेंटेड जो आए हुए हैं लोग वो अच्छी परफॉर्म करके और ये नेशनल लेवल तक जाए। बढ़िया, नेशनल लेवल पर जाएं। आप समझिए कि आप प्रतिभाओं को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लगातार इसके वीडियोस हम लोग आप तक शेयर करते रहें। क्या नाम है सर आपका? सर राजेंद्र पाठा जी। क्या लग रहा है यहाँ पर कि बढ़िया प्रतिभाएं निखर रही हैं और देश के दुनिया के अंदर नाम करेगा वाल्मीकि समाज? आप जैसे लग रहा है जो इतना प्रोग्राम अरेंज किया है जी, इसमें जो है कुछ नए प्रतिभा से भी बच्चे आए हैं, वो आगे आगे उनकी कोशिश देख के लगता है कि आगे बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? रमेश लाहौरी नाम मेरा जी। और ये जो वाल्मीकि कला मंच का जो गठन किया गया है हमारे अज्ञानी जो की उनकी टीम की टीम के द्वारा, बहुत सराहनीय है। और क्योंकि हम लोगों को जाति के आधार पर हमें मंच नहीं मिलते हैं या हमारे साथ भेदभाव किया जाता है जी। लेकिन एक ये मंच हमारा अपना होगा तो इसमें हमारे अपने बच्चों को या अपने साथियों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं जी। हमें हमारे जो गुरु हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे गुरु वाल्मीकि जी थे, वो तो प्रकांड विद्वान थे शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा में भी और कला में भी। उन्होंने शिष्य लव और कुश को आप देखा होगा रामायण में भी, उन्होंने कितना अच्छा राम के सामने उसका व्याख्या की थी रामायण की। तो हम तो उस गुरु के शिष्य हैं, वो कला और हमें अपने आप ही मिल जाती है, प्राकृतिक रूप से मिल जाती है, ईश्वर के ईश्वरीय हमें वरदान है जी। तो कह रहे हैं ईश्वरीय वरदान है। यहाँ पे और भी साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे। क्या नाम है आपका मैम? राजमानव जी। यहाँ क्यों आए हैं? सिंगिंग के लिए आए हैं, कुछ अपना ये ऐसे। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके सिंगिंग का? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी नंबर आया नहीं आया आपका? अभी नहीं आया सर। यहाँ तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, क्या लग रहा है कि आपका नंबर कैसे आ पाएगा, आप सेलेक्ट हो पाएंगी? वो तो सर आप लोग बताएंगे सेलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं। उम्मीदें बहुत ज़बरदस्त हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग आए हुए हैं। आप भी यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्यक्रम है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम उसका डिटेल आपको नीचे शेयर कर देंगे। और भी साथी आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजय कुमार चौहान। मैं क्या करते हैं अजय भाई आप? सर मैं लेखक हूँ, गाने लिखता हूँ और कविताएं लिखता हूँ। मेरा भी एक नया गाना रिलीज होने वाला है, हम भारत माँ के शेर हैं जो वाल्मीकि कहलाते, इतिहास उठा के देख लो हम सौंपे भारी पड़ते हैं, ये मेरा लिखा हुआ गीत है। कितना सुंदर गीत है, हम भारत माँ के शेर हैं वाल्मीकि हम कहलाते हैं। यह विचार या जोश पूरे देश दुनिया को हिलाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है यहाँ पर कि मतलब इस तरीके की प्रतिभाओं को निखारने का ये प्रॉपर काम है? सर मेरे को बड़ी ही खुशी हुई है क्योंकि पहले तो मैं सोचता था अकेला मैं ही जंग में लड़ रहा हूँ, लेकिन अब इन भाई साहब से मिलकर मेरे को इतनी प्रसन्नता हुई। मुझे लालसा नहीं है कि मैं जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन यह है कि मेरी बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो समाज को जागरूक करने के लिए है। और बाकी भाई साहब से मिलकर और आप लोगों से मिलकर बड़ा प्रभावित हुआ मैं। और अभी एक गाना है मेरा अभी जो गाऊंगा मैं, अगर आ गया नंबर तो, बाकी मेरा जल्दी गाना रिलीज होने वाला है और आप लोगों के मैं उम्मीद करता हूं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आप भी आए हुए यहाँ पे पार्टिसिपेट करने, क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा। कृष्णा जी क्या करती हैं पहले? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अब आप समझिए कि एक बच्चा भी यहाँ पर आ रहा है और दिहाड़ी मजदूर वाले भी आ रहे हैं यहाँ पे, इंजीनियर भी आ रहे हैं, लेखक भी आ रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं, तमाम समुदाय के लोग भी आ रहे हैं। समुदाय ये का कि इसका नाम है वाल्मीकि आइडल, लेकिन बहुजन समाज के तमाम लोगों को ये मंच एक प्रतिभा निखारने का काम कर रहा है। आप देखिए ये मजदूरी करते हैं, क्यों ऐसा लगा कि मजदूरी छोड़ के आपको गीत के अंदर आना चाहिए? मुझे शौक है। शौक है मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा बहुत, तो आपको लगता है कि एक रानू मंडल थी, एक रानू मंडल वो ट्रेन पे अलग से कुछ काम किया करती थी, लेकिन वो भी सेलेक्ट हो गई, तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं, ऐसे लगता है आपको? लगता है जी है? लगता आप है। अपना कोई गीत सुना दीजिए जो आपको लगता है कि आप जिस को गाने से आप सेलेक्ट हो जाएंगे, वो सुना दीजिए। अभी हाँ अभी सुना दो, थोड़ा सा दो लाइन सुना दीजिए। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नीकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। बहुत सुंदर आपने, नहीं पूरा नहीं, बहुत सुंदर आपने सुनाया। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल लता जी की तरह इन्होंने गीत को गुनगुनाया और गीत को बहुत प्रतिभा से उन्होंने निखारा। मतलब कि आप मजदूरी करते हैं उसके बावजूद भी लता की तरह यहाँ पर आवाज़ है। आपको हमने किशोरदा भी सुनाए थे, आपको वाल्मीकि समुदाय के वह शेर सुनाए हैं यहाँ पर जो एक इतिहास रचने का काम करने वाला है वाल्मीकि आइडल। आप जुड़ सकते हैं इससे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर है, आप वहाँ से बात कर सकते हैं।
आगामी जो आपके प्रदेशों के अंदर जो ये वाल्मीकि आइडल जो कार्यक्रम करने वाला है, आप भी देखें कि अब उत्तराखंड में कब होने वाला है, पंजाब में कहाँ कब होने वाला है, गुजरात में कहाँ होने वाला है, आप डिटेल्स इनसे ले सकते। आपने हमारे से बात करी, धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहेंगे कि जिसकी जो ये वाल्मीकि आइडल जो फिल्म बनाने वाला है, आप उसके अंदर प्रथम गीत गाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।